सब्सक्राइब करें नेलर न्यूज को और इस बेल आइकन को दबाएं देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए। देहरादून साहित्य उत्सव लिट फेस्ट में रस्किन बॉन्ड के साथ बातचीत के दौरान सद्गुरु और ये लोकप्रिय लेखक अपनी युवावस्था तथा पर्वतों से अपने जुड़ाव को याद कर रहे हैं, जिन्होंने इन दोनों के जीवन में एक रचनात्मक भूमिका अदा की। सद्गुरु कहते हैं, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तब से ही मेरे मन में किसी पहाड़ की एक चोटी की तस्वीर हमेशा रहती थी। मेरी आंखें खुली हो या बंद, वह तस्वीर हमेशा मेरे मन में छाई रहती थी। मुझे यह भी लगता था कि ऐसा सबके साथ होता है, सबकी आंखों में ऐसी तस्वीर रहती है। यह भ्रम मेरा तब टूटा जब मैं 16 साल का हुआ। 16 साल की उम्र में जब मैंने अपने कुछ मित्रों से यह कहा तो उन्हें लगा कि मैं पागल हूं। तब पहाड़ की उस खास चोटी को जिसे मैं हमेशा देखता रहता था मैंने ढूंढना शुरू किया। मैं महीनों तक कर्नाटक और केरल के पश्चिमी इलाकों में घूमता रहा। फिर कारवार से कन्याकुमारी तक मैंने मोटरसाइकिल पर 11 बार यात्रा की और हर संभव शिखर पर नजर डाली। फिर भी जब खास चोटी दिखाई नहीं दी तो 19 वर्ष की उम्र में मैंने हिमालय के इलाके में जाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने हिमालय की चोटियों को देखा तो मुझे समझ आ गया कि मैं जो ढूंढ रहा था वह वहां नहीं था, क्योंकि उन पहाड़ों का तो रूप ही बिल्कुल अलग था। फिर कई सालों बाद मैंने दक्षिण भारत के उस पहाड़ को पहली बार देखा जिसके पास आज ईशा योग सेंटर स्थित है। तो मैं पहाड़ों का प्रेमी नहीं हूं, मैं उनका गुलाम हूं। मैं उनके बगैर जी सकूं यह किसी भी हाल में संभव नहीं है। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं, सही है, हम दोनों ही पर्वतों के गुलाम हैं। मैं जब भी कहीं जाता हूं, चाहे वो सिर्फ एक सप्ताह के लिए ही हो, मुझे पहाड़ों का खिंचाव महसूस होने लगता है। मुझे हमेशा वापस आ जाने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि एक बार जब पहाड़ आपके खून में घुस जाते हैं तो फिर वे बाहर नहीं आते। घर में मेरे परपोते हैं, वे सद्गुरु के बारे में मुझसे पहले से जानते थे। मैं सोचता था कि ये लड़के कोई बहुत आध्यात्मिक तो है नहीं। फिर सद्गुरु, मैं ऐसा क्या है जो इन्हें खींचता है? तब बच्चों ने बताया, वे मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। तो कृपया आपने मोटरसाइकिल वाले दिनों के बारे में बताइए। सद्गुरु कहते हैं, अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे बताया कि चेक मोटरसाइकिल जावा फिर से भारत में आने वाली है। एक समय था जब मैं जावा मोटरसाइकिल इतनी ज्यादा चलाता था जितनी कभी किसी ने चलाई नहीं होगी। हर साल में लगभग 55 से 60 हजार किलोमीटर चलाता था। 7 साल तक मैं कह सकता हूं कि मैं लगभग मोटरसाइकिल पर ही रहता था। मैं भारत में चारों ओर इधर से उधर घूमा, किसी खास स्थान पर जाने के लिए नहीं, मुझे बस हर एक इलाका देखना था। मेरे लिए सब कुछ चित्र रूप ही होता है। मैं कभी कुछ भी शब्द में नहीं सोचता था, मैं बस सभी इलाके देखना चाहता था, जमीन के हर हिस्से का हर टुकड़ा। कुछ साल पहले मैं हिमालय के इलाके में एक बार फिर गया और मैं गाड़ी चला रहा था। किसी ने मुझे एक तेज कार दी थी तो मैं पहाड़ों पर 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रहा था। लोग मुझे कहते थे कि सद्गुरु, आप खुद को मार ही डालोगे। तब मैंने उन्हें बताया कि इन रास्तों का हर मोड़ मेरे दिमाग में बसा है, मैं आंख बंद करके भी गाड़ी चला सकता हूं। ये यात्राएं संभवतः मेरे जीवन की सबसे ज्यादा कीमती हिस्सा थी, क्योंकि मैं बिना किसी खास मकसद के बस घूमता रहता था। मैं जो भी पढ़ता था वह भी बिना किसी मकसद के पढ़ता था। मैं जब बड़ा हो रहा था तो अपनी किताबें बेचकर अपनी पसंद के उपन्यास ले आता था। जब तक परीक्षाएं न आ जाए मैं कभी किताबें देखता भी नहीं था। हालांकि यहां ऐसी बातें करना गलत है, क्योंकि यहां बहुत सारे बच्चे भी हैं। मैं देहरादून में जब बड़ा हुआ तब साइकिल का दौर था, सभी बच्चे और जवान साइकिल पर घूमते थे।
उस समय कारें बहुत कम होती थी और मोटरसाइकिलें भी ज्यादा नहीं थी। सभी लोग साइकिलों पर घूमते थे। मैं बहुत बार गिर जाता था, फिर शहर में चारों ओर पैदल ही घूमता था। मुझे हर सड़क हर गली मालूम थी, इस कारण से वे मुझे रोड इंस्पेक्टर कहते थे। आजकल आपको कहीं साइकिलें नहीं दिखती। आजकल के टेक्नोलॉजी युग में आज के बच्चे बहुत सारी ध्यान बटाने वाली चीजों के साथ बड़े हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि वे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे युवाओं से मिलता हूं जो पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो लिखते भी हैं। सद्गुरु कहते हैं टेक्नोलॉजी कोई खराब चीज नहीं है। दुर्भाग्यवश लोग ऐसी बातें करते रहते हैं जिनसे लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बिगाड़ रही है। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, किसी भी चीज का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल हमारे जीवन को बिगाड़ेगा। अपने दिनों में आप और मैं जब हम बच्चे थे तब हम शारीरिक रूप से बहुत ही एक्टिव रहते थे। हम चाहे जो खाते जितना खाते फिर भी दुबले पतले रहते थे। बढ़ती उम्र का कोई भी लड़का या लड़की किसी हाल में मोटे नहीं होते थे, क्योंकि हम हमेशा गतिविधि में लगे रहते थे। मुझे लगता है कि आज के बच्चों के विकास में जो एक बड़ी चीज नहीं है वो है उनका आसपास के दूसरे जीवन, पेड़ पौधे कीड़े पशु पक्षी रेंगने वाले जीव और बाकी सभी तरह के जीवन से किसी भी तरह का कोई भी संबंध ही नहीं रह गया, कोई जुड़ाव है ही नहीं। एक मनुष्य के लिए यह मानना अच्छा नहीं है कि इस धरती पर वही सब कुछ है और दूसरे जीवन का कोई महत्व नहीं। दुर्भाग्यवश ऐसी बातें लोगों के दिमागों में धार्मिक सिद्धांतों के जरिए भर दी गई है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया है और बाकी सारे जीव सिर्फ हमारी सेवा के लिए बने हैं। मनुष्य के दिमाग में घुसने वाला यह सबसे ज्यादा नुकसानदेह विचार है। मैंने जंगलों में बहुत सारा समय अकेले बिना किसी बाहरी सहायता के कई सप्ताहों तक बिताया है। सभी जीव चींटियां कीड़े पशु पक्षी सब अपने आप में एक पूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। रस्किन बॉन्ड ने कहा, मुझे लगता है कि बच्चों को युवाओं को हमारे आसपास पर्याप्त खुली जगह ही नहीं मिली। सद्गुरु कहते हैं कि किसी को अन्य जीवन के बारे में पता ही नहीं है, प्रकृति के साथ किसी का कोई संबंध ही नहीं है, जो कुछ है बस सतही है। स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों का संबंध प्रकृति से बने। ये कोई पर्यावरण के बारे में जागरूक करने की बात नहीं है। अगर मानवता की तरक्की होनी है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको यह समझ आए कि सभी प्रकार के जीवन को पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, वे यहां हमसे पहले से है। धन्यवाद।